हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टीवी के अपकमिंग सीरियल के बारे में, जो कि सनी साइड अप प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये वही सीरियल है जिसका नाम है मैत्री, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी वीडियोस बनाए थे। श्रेणु पारेख इस सीरियल में मेन फीमेल लीड प्ले करने वाली हैं। मैत्री का बात करें, जो शो का नाम है, तो गाइज़ ये मेन जो फीमेल लीड होने वाली है, यानी कि जो मेन करेक्टर होंगी, उसका नाम है मैत्री। और श्रेणु पारेख का जो करेक्टर होगा वो सेंट्रल होने ही वाला है, और उसके साथ एक और फीमेल लीड होगी, वो भी कहानी में काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल रहने वाली हैं। दो करेक्टर्स पे जो शो की कहानी है वो पूरी तरह से बेस्ड होने वाली है। एक तो मैत्री होगी, और इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि बचपन से इसकी दोस्त रही है, जिसका नाम है नंदिनी। फिलहाल के लिए नंदिनी का करेक्टर कौन प्ले करेगी, कौन सी एक्ट्रेस आएगी, वो अभी के लिए नोन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उस पर भी मैं अपडेट बना दूंगा। शो की डिटेल्ड स्टोरी और कंसेप्ट के बारे में बात करें, तो मैत्री का जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड और एम्बिशियस करेक्टर है, वो काफ़ी फन लविंग करेक्टर भी है। जो मैत्री का करेक्टर है वो बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव करेक्टर है। मैत्री एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है, और मैत्री काफ़ी अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग करती है। एक ही टाइम पे अपने जो ऑफिस के काम वगैरह हैं, यानी कि अपनी जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो सब भी संभालती है, और उसी टाइम पे रिलेशनशिप्स वगैरह भी सबके साथ कैसे अच्छे से रखनी है वो भी, जो अपनी फ्रेंडशिप्स हैं उसकी, वो उसको काफ़ी अच्छे से निभाती है। तो इस तरह का करेक्टर है मैत्री का करेक्टर। वो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहती है। तो ये हो गया ब्रीफ समरी मैत्री के करेक्टर की। अब हम बात करें इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी के करेक्टर के बारे में। नंदिनी का जो करेक्टर है वो थोड़ी सी सेल्फिश है, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझती है और दूसरों के बारे में उतना नहीं सोचती, लेकिन वो पहले वैसी नहीं थी। मैत्री और जो नंदिनी है, अब शो की मेन स्टोरी के बारे में बात करें, बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इवन बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की थी कि इनके पेरेंट्स ये सोचा करते थे कि जब ये बड़े हो जाएंगी और इनमें से एक दूसरे की अलग अलग शादी हो जाएगी, तो फिर ये एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगी। तो इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन आगे चलकर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। यानी कि जो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा आगे चलकर कि ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन टाइप बन जाएंगी, एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट हो जाएंगी। ये शो का मेन थीम है, ये शो की मेन कॉन्सेप्ट है, ये शो की स्टोरी लाइन होने वाली है। दोनों के करेक्टर्स कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और स्टोरी क्या है सीरियल की वो भी अब आपको पता चल ही गई है। तो स्टोरी वगैरह के बारे में आपको बता दिया, अब हम शो की टाइम स्लॉट के बारे में बात कर लें। तो जी टीवी प्लान कर रहा है सीरियल को शाम की टाइम स्लॉट देने की, जो कि 6 बजे की टाइम स्लॉट है। 6 बजे की टाइम स्लॉट पे TRP लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो टाइम स्लॉट इस सीरियल को मिल सकती है। फिलहाल के लिए जी टीवी का प्लान यही है कि इसको 6 बजे पे लाना है, लेकिन आने वाले दिनों में माइंडसेट चेंज भी हो सकता है, बिकॉज 6 बजे की टाइम स्लॉट पे अगर आप सीरियल लॉन्च कर रहे हो उस पे TRP नहीं मिलने वाली। इवन स्टार प्लस जैसे जो कि टॉप चैनल है, वो भी स्ट्रगल करते हैं शाम की टाइम स्लॉट्स पे, और जी टीवी पे किसी नए सीरियल को 6 बजे की टाइम स्लॉट दे देना, आई थिंक वो सीरियल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सीरियल की TRP आ ही नहीं सकती। लेकिन जो भी है, जी टीवी ने फिलहाल के लिए इसकी 6 बजे की टाइम स्लॉट ही प्लान कर रखी है, और ये सीरियल आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, यानी कि नए साल के पहले महीने में देखने को मिल जाने वाला है। तो काफ़ी डिटेल्स मैंने दे दी हैं सीरियल के बारे में। आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी टाइम स्लॉट चेंज करें, कुछ और टाइम स्लॉट रख दें, उस पर भी मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो सब डिटेल्स अवेलेबल थी सीरियल पे वो मैंने आपको बता दिया है। नंदिनी का जो सेकेंड फीमेल लीड करेक्टर है वो कौन प्ले करेंगी, उन पर भी मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा। मैत्री सीरियल की सारी अपकमिंग लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और जी टीवी की सारी लेटेस्ट अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी जी टीवी के अपडेट को मिस ना करें, सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए एक्साइटेड हैं फिर नहीं इस नए सीरियल के लिए। शेयर ज़रूर करिए श्रेणु पारेख के फैंस के साथ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।